इस फोटो को देखिए। देखने में आपको ये लग रहा होगा कि ये फोटो किसी आदमी की है, लेकिन एक्चुअली ये फोटो एक औरत की है। इस लेडी का नाम है मैरी एन बेवन और ये है वर्ल्ड्स अगलीएस्ट वुमन। 1874 में लंदन की न्यू हैम सिटी में मैरी बेवन का जन्म एक आम बच्चे की तरह हुआ। बड़ी होने के बाद मैरी ने थॉमस बेवन नाम के एक आदमी से शादी कर ली, जिससे उसे 4 बच्चे हुए। शादी के कुछ सालों बाद मैरी की बॉडी कमजोर और उसका फेस बड़ा होने लगा, जिसके बाद डायग्नोसिस में ये पता चला कि मैरी को एक्रोमिगेली नाम का एक डिजीज हो गया था। दोस्तों एक्रोमिगेली एक ऐसी बीमारी है जिसमें बॉडी के ग्रोथ हॉर्मोन्स जरूरत से ज्यादा बनने लगते हैं, जिसकी वजह से बॉडी का कोई एक हिस्सा काफी बड़ा हो जाता है। मैरी बेवन के इस बड़े और अजीब चेहरे को देखकर लोग उनसे नफरत करने लग गए। इस बड़े से चेहरे की वजह से उन्हें मसल पेन और माइग्रेन जैसी तकलीफें होने लगी, लेकिन शायद मैरी की किस्मत ने उसे और ज्यादा दर्द देने की सोची थी। शादी के 11 साल बाद मैरी बेवन के हस्बैंड थॉमस का देहांत हो गया। पति के मरने के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी मैरी बेवन के ऊपर आ गई। अपने 4 बच्चों का गुजारा करने के लिए एक बीमार माँ जो भी कर सकती थी उसने वो सब किया। फिर मैरी बेवन ने 1920 में एक ऐसे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया जिसमें कोई भी औरत कभी नहीं जाना चाहेगी। इस कॉम्पिटिशन का नाम था अगली वुमन कॉन्टेस्ट और मैरी बेवन ने इस कॉम्पिटिशन में सिर्फ इसलिए पार्टिसिपेट किया था ताकि वो प्राइज मनी को जीत कर अपने परिवार का गुजारा कर सके। अपनी गरिमा और आत्मसम्मान को दांव पे लगाकर मैरी बेवन ने इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया और वो जीत गई। लेकिन ये एक ऐसी जीत थी जिसके बाद मैरी बेवन को सम्मान नहीं बल्कि अपमान का सामना करना पड़ा। कॉम्पिटिशन जीतने के बाद मैरी ने कोनी आइलैंड के एक सर्कस में काम करना शुरू कर दिया, जिसके बाद वो अपनी आखिरी सांस तक इसी सर्कस में काम करती रही। 1933 में 59 ईयर्स की एज में मैरी एन बेवन का देहांत हो गया। दोस्तों मैरी बेवन का जीवन ये दर्शाता है कि मजबूरियां इंसान को मजबूत बना देती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।